चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में गुरुवार को होने वाले 34वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। समारोह का जायजा लेने के लिए बुधवार को विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने जायजा लिया। वहीं एनसीसी कैडेट्स द्वारा राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए रिहर्सल भी की गई। वहीं बता दें कि इस बार दीक्षांत समारोह में मिलने वाले मेडल में हर वर्ष की भांति छात्राओं की संख्या सबसे ज्यादा है। देखिए, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है 34वां, एक हमारे लिए बहुत प्राउड का विषय है। इसमें 70% से ऊपर लड़कियों को गोल्ड मेडल मिल रहे हैं, ये मुझे आपको बताने का बहुत आई एम सो प्राउड ऑफ इट। टोटल नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स 228 हैं, पीएचडी 234 हैं एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 198 हैं जो इसमें शामिल हैं। देखिए, उपाधि मिलना, गोल्ड मेडल मिलना, ये तो बच्चों का अपना सपना होता है जिसके लिए वो मेहनत करते हैं। इस विश्वविद्यालय में पढ़ के अपने गुरुओं के संस्कार जो लेकर जाते हैं, उसे जो सीख कर जाते हैं, उसको लाइफ टाइम अमल करें। ये डिग्री एंड गोल्ड मेडल को सबसे पहले वो रिस्पेक्ट के तौर पर अपने पेरेंट्स के लिए, अपने यूनिवर्सिटी के लिए, अपने नेशन के लिए ये होना चाहिए कि आई एम प्राउड ऑफ द सीसीएस गोल्ड मेडल। इतना ऑनर करेंगे हमारे बच्चे, हमें इतना विश्वास भी है। ये बच्चे अपनी नई ज़िंदगी शुरू करते हैं तो उनके लिए ये मैसेज है, ये जो भी करें बहुत अपने पैशन को परस्यू करें, ऑनेस्टी से परस्यू करें। और जैसा कि हम देख रहे हैं अपने भारत में, इंडिया के लिए कुछ ऐसा काम करें कि दे शुड बी नो दैट दे आर ए गुड इंडियन। उन्होंने कुछ किया इस देश के लिए, इस यूनिवर्सिटी के लिए। पहली चीज़, इस विश्वविद्यालय के लिए एक फ़ंड बनाऊंगी। जितने बच्चे हैं सबको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ टीचिंग, इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ गिविंग द टाइम। जो दे सकता है बच्चा इस विश्वविद्यालय को वो दे। ये मेरी अपील है सब बच्चों से, आज से लेकर जब तक, पूर्व छात्रों से भी और आउटगोइंग छात्रों से भी, उनको ये अपना घर समझ के एक कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए। मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन से मेरा मतलब पैसा नहीं, किसी भी फॉर्म में अपना वो कॉन्ट्रीब्यूशन दे। कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ मैं नेहा त्यागी, जनवाणी न्यूज़ मेरठ।